हेलो वेलकम फ्रेंड्स, टैली ERP 9 सीखने की सीरीज में मैं थोड़ा आपका स्वागत करता हूँ। और आज की ये वीडियो है टैली ERP 9। देखिए, ERP 9 हो या प्राइम हो, दोनों ही की बात करेंगे हम। यहाँ पर टैली ERP 9 को ओपन करता हूँ। ये देख सकते हैं हमारे व्यूअर है जिनका कमेंट है कि सर मेरे लिए स्टेटरी या ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास कंपनी बनी हुई है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो कंपनी नहीं बनी हुई है, तो मैं एक कंपनी बना लेता हूँ, मैं टैली ERP 9 यूज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ, तो ये लिख लिया मैंने अपना नाम, और यहाँ पर मैं कंपनी बना रहा हूँ। ठीक है, कंपनी जिस तरीके से करती है, और यहाँ पर एड्रेस डाल देता हूँ, ये एड्रेस हो गया हमारा। ओके, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर इंडिया हो जाएगा, यहाँ पर यूपी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश करके एंटर प्रेस करके बाकी पिन कोड वगैरह डालते रहिएगा, एंटर प्रेस करके यही रखता हूँ। ठीक है, एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा। ठीक है, कुछ लोगों के पास इस तरह का टैली का भी अभी यूज कर रहे हैं, टैली का रिलीज जो है 5.0 या 6.0 ऐसा कुछ यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये टैली का कौन सा वर्जन है, आप कंट्रोल अल्ट टी भी प्रेस कर सकते हैं वर्जन को जानने के लिए। तो कंट्रोल अल्ट और टी एक साथ दबाएंगे तो आपको इसके वर्जन के बारे में बताया जाएगा। तो ये देखिए, कंट्रोल अल्ट टी किया हमने, तो आप देखेंगे कि ये टैली का कौन सा वर्जन है, 5.0.0 है। ठीक है, जब भी इस तरह का वर्जन यूज करेंगे तो इसमें आपको स्टेटरी ऑप्शन शो तो करेगा, लेकिन उसमें GST नहीं शो करेगा। अब ये स्टेटरी ऑप्शन शो कैसे करेगा, देखिए F11 की प्रेस करिएगा तो यहाँ पर आपको स्टेटरी एंड टैक्सेशन ऑप्शन शो हो जाएगा। अगर इससे भी बहुत पुराना वर्जन यूज करेंगे तो वहां पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 5.0 तो आप यूज कर ही रहे होंगे, काफी पुराना ये भी है, तो यहाँ पर स्टेटरी ऑप्शन शो करेगा। तो F11 प्रेस करेंगे तभी भी शो करेगा, अन्यथा ये शो नहीं करेगा। ओके, F11 के अलावा जो दूसरा तरीका है वो क्या हो सकता है, तो यहाँ पर आप जाएंगे तो ये आपको फीचर्स मिलेगा, ये नीचे दिखता है फीचर्स, तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, शॉर्टकट की आपको यहाँ दिखी रही है, तो इस पर क्लिक करिएगा तो यही फिर विंडो ओपन हो जाएगी, जो विंडो अभी ओपन हुई थी यही विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें यहाँ से F3 प्रेस करके स्टेटरी पे चले जाइएगा, जो भी आपको एक्टिवेट करना है एक्टिवेट कर सकते हैं, ये शॉर्टकट की होती है। ठीक है, क्लिक भी कर सकते हैं, दोनों काम आप कर सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्राइम की, थोड़ा सा प्राइम के ऊपर भी डिस्कस कर लिया जाए, प्राइम लेटेस्ट वर्जन है मेरे पास। ठीक है, देख सकते हैं आप इसे, तो यहाँ पर अब ये जो टैली का हम लोग यूज कर रहे हैं वर्जन, तो यहाँ पर हम हेल्प में जाएंगे, तो ये F1 हेल्प के लिए F1 है, और यहाँ अबाउट में जाएंगे तो ये कौन सा वर्जन है ये आपको दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे ही अबाउट में जाएंगे तो यहाँ आपको टैली का लेटेस्ट, देखिए रिलीज कौन सा है, ये 2.0.1 है, लेटेस्ट वर्जन है। तो यहाँ पर जब आते हैं आप, तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से आप इसमें एक्टिवेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, F11 प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पर भी F11 शॉर्टकट की है। ठीक है, यहाँ पर F11 प्रेस करेंगे, डबल क्लिक यहाँ पे करेंगे, इस पर भी डबल क्लिक कर देता हूँ, सारे फीचर्स हमें दिखाई देने चाहिए। यहाँ पे GST का फीचर हमें ऑन करना है तो इसे यस कर देना है। ठीक है, GST दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे TDS दिखाई पड़ेगा, TCS दिखाई पड़ेगा, VAT दिखाई पड़ेगा, इनेबल एक्साइज दिखाई पड़ेगा, इनेबल सर्विस टैक्स दिखाई पड़ेगा, सारी चीजें हैं, GST बस उसमें नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो GST यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं, और ये इनेबल कर दिया हमने। यहाँ पर आपको स्टेट डालना होता है, कंपोजिशन डीलर है कि रेगुलर डीलर है, ये देना होता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए हम रेगुलर डीलर हैं। SC ऑफ टेरिटरी, अगर आप किसी यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं तब काम आती है। यहाँ पर किस डेट से आपका काम चालू हो रहा है वो आता है। यहाँ पर आपका GST IN आता है। ठीक है, यहाँ पर आप कैसे GST फाइल कर रहे हैं, क्वार्टरली फाइल करते हैं या मंथली फाइल करते हैं, ये चीज यहाँ पर देनी होती है। यहाँ पर GST की डिटेल को अल्टर करना होता है, तो ये अल्टर कर रहे हैं हम। यहाँ पे हमें टैक्सेबल रखना होता है, यहाँ पर हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेटेड टैक्स देना है कि सेस टैक्स देना है, ये सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। ठीक है, तो यहाँ से F12 की प्रेस करके ऑल, देखिए ये दिया हुआ है, तो ऑल GST टैक्स टाइप, इसको आप यस कर सकते हैं। तो GST के जितने भी टैक्स टाइप हैं वो सब आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पर कंट्रोल A प्रेस कर लीजिएगा ताकि अब देखिए अब ये सब दिखाई पड़ने लगा। तो इस तरीके से आ करके यहाँ पर टैक्सेबल रख करके, और यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स मान लीजिए 18% लगा दिया मैंने, तो 99% के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, और इसी तरह करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे आप। ठीक है, तो ये GST एक्टिवेट हो जाएगा, कंट्रोल A यहाँ भी प्रेस कर देंगे। अब जो भी एंट्री पास करेंगे, लाइक हमने कुछ एंट्री परचेज में पास कर रखी है, अब हम चलेंगे सेल्स में। ठीक है, तो सेल्स में चलते हैं B प्रेस करके, तो यहाँ से आते हैं बाहर और बी प्रेस करके आ जाते हैं सेल्स वाउचर में, F8 प्रेस करके, F8 जो है शॉर्टकट की होती है सेल्स वाउचर की। यहाँ पर अगर हम कैश में सेल करें या किसी डेटर पार्टी को सेल करें, ठीक है, तो यहाँ पर जाकर के यहाँ पर लिख देता हूँ गौरव,
अब ये कोई डेटर पार्टी हो सकती है, तो ये डी कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया, यहां पर आएंगे तो यहां पर सेम संडे डेटर लगा देंगे, जो कि पहले के वीडियोस में मैं बता चुका हूं। पहले ही आपको एंटर प्रेस करते हुए इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिए, इस तरीके से ये एंट्रीज पास होंगी। ठीक है, देखिए दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई यहाँ पे पड़ ही रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा सेल्स अकाउंट का लेजर, वहां परचेज अकाउंट का लेजर आता था, यहाँ सेल्स अकाउंट का लेजर लगा देंगे, ये बहुत इजी है, और इसे अंडर सेल्स के ग्रुप में डालेंगे। देखिए ग्रुप का सही सिलेक्शन बहुत जरूरी है, तो सही सिलेक्शन जरूर करिएगा। ये सेल्स अकाउंट हो जाएगा, इंटरफेस करते हुए इसको करा लीजिए एक्सेप्ट। यहाँ पर आए, अब क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, वो चीजें हम सेल करेंगे। 50 किलो राइस है, 50 किलो राइस कौन से गोडाउन से उठाना है, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं गोडाउन कौन सा है। देखिए न्यू कॉलोनी में है ही नहीं, मेन लोकेशन में ही 50 किलो है, तो ये 50 किलो यहीं से उठाते हैं, तो 50 का 50 नहीं बेचेंगे हम, 45 किलो इसको बेच देंगे, और रेट क्या लगाएंगे, 60 रुपए किलो। ठीक है, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब दूसरा कोई प्रोडक्ट है लाइक शुगर है, तो शुगर ले सकते हैं, तो यहाँ पे शुगर ले लिया हमने, कौन से गोडाउन से उठाएंगे ये देख लेते हैं। देखिए 5 किलो मौजूद है मेन लोकेशन में, तो यहाँ पे मेन लोकेशन में आते हैं और मेन लोकेशन से 5 किलो उठा लेते हैं और इसको सेल कर देते हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं 45 रुपए किलो। ठीक है, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, इस तरीके से हम इसको सेल करेंगे। अब यहाँ नीचे आएंगे तो मान लीजिए और भी प्रोडक्ट हो सकते हैं जिनको आप सेल कर रहे हो, तो यहाँ नीचे और भी आप उसको एंट्री पास करा सकते हैं इसकी। अब यहाँ से मैं अल्ट सी प्रेस करता हूँ, अल्ट सी वो शॉर्टकट की है जिसकी मदद से हम लेजर्स क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे सीजीएसटी। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, डिपेंड करता है कि आपका डेटर पार्टी ही सेम स्टेट का है या अदर स्टेट का है। सेम स्टेट का होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे, अदर स्टेट का होगा तो आईजीएसटी लगाएंगे। अगर यूनियन टेरिटरी में व्यापार करता होगा वो व्यक्ति जो कि सामान बेच रहा है, तो उस कंडीशन में लगेगा यूटीजीएसटी, तो अभी फिलहाल यूटीजीएसटी की तो बात ही नहीं है, तो यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप में इसे डाल देना है। तो ये देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ ही रहा है, और ये जीएसटी ही है, और ये कौन सी जीएसटी है, सीजीएसटी है। तो बस यहाँ पर आकर के नॉर्मल राउंडिंग करके एंटरफेस करके इसको एक्सेप्ट कराइएगा, तो ये तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब फिर अल्ट सी करूंगा, क्योंकि सीजीएसटी के बाद एसजीएसटी भी बनाना है हमें, तो ये एसजीएसटी लिख दिया, एंटरफेस किया, यहाँ पर आए जीएसटी लगाया, और यहाँ पे स्टेट टैक्स कर दिया हमने, और स्टेट टैक्स करने के बाद यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग, फिर एंटरप्रेस करते हुए इसको करा लेना एक्सेप्ट। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से सब कुछ कैलकुलेट हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ न्यू रेफरेंस रखेंगे, एडवांस कब आता है इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पर आप नरेशन दे सकते हैं। इस तरीके से एंट्री आजकल के टैली प्राइम में पास होती है, ये देख सकते हैं जो हमने अभी एंट्री पास की उसकी डिटेल आपको दिखा देता हूँ। ये है, प्रिंट करेंगे, अल्ट पी प्रेस करके यहाँ आएंगे और आई बटन प्रेस करेंगे, तो ये देखिए प्रिंट ऐसे दिखेगा, आपको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टैली ईआरपी 9 और प्राइम में एंट्रीज होती हैं। ठीक है, अब ईआरपी 9 जो था उसमें कैसे एंट्री पास होती होगी, तो ईआरपी 9 के बारे में तो पहले ही बता चुका हूं। तो यहां से हमें तो जीएसटी तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो 5.0 है, जब भी जीएसटी होगा तो 6 और 6 पॉइंट के आगे जो वर्जन आए हैं उसमें जीएसटी आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें कैसे एंट्री पास होगी वो देख लेते हैं, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, हम इसमें कैश में सेल करेंगे, तो यहाँ पर आते हैं, तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, ये सिंगल एंट्री मोड होता है। ठीक है, तो अभी हम आते हैं परचेज वाउचर में, तो ये देखिए ये पेमेंट वाउचर है, लेकिन हमें आना है परचेज वाउचर में, तो आगे परचेज वाउचर में सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालना है, इंटरफेस करना है, यहाँ पे आना है, इसे कैसे रख देता हूँ, इंटरफेस करता हूँ, यहाँ पर परचेज का लेजर आएगा, तो अल्ट सी करके परचेज का लेजर आप बना सकते हैं, तो पी यू आर सी एच ए एस ई परचेज अकाउंट कर दीजिए कुछ इस तरीके से, इंटरफेस कीजिए, इंटरफेस कीजिए, यहाँ पे परचेज अकाउंट दे दीजिए, ये परचेज अकाउंट हो गया, एंटरप्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराइए। यहाँ पर आएंगे, देता हूँ कीबोर्ड कुछ इस तरीके से बनाना, बहुत ही ज्यादा कंपलसरी हो जाता है, तो यहाँ पर एनओएस कर देता हूँ, यूनिट में एनओएस नंबर, ठीक है, एन यू एम बी ई आर एस फॉर्मल नेम इसका नंबर हो जाएगा, और यहाँ पर एंटरप्रेस करते हुए इसको करा लीजिए एक्सेप्ट। तो 6 कीबोर्ड मान लीजिए लेते हैं हम, और एक कीबोर्ड की कीमत है 400 रुपए, यहाँ डाल दिया, इस तरीके से आप ये एंट्री पास करेंगे। अगर वैट एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ वैट भी कैलकुलेट होगा, अगर आप वैट एक्टिवेट करना चाहते हैं तो वैट को एक्टिवेट करने के लिए आपको वापस से चलना होगा बाहर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसको छोड़ता हूँ, यहाँ से आ जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से F11 प्रेस करना है और स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे आना है वैट को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ से देखिए वैट ऊपर ही दिया हुआ है, तो आप इसको यस कर दीजिए, यस करने के बाद इसको भी यस करना होगा, दोनों ही को यस करना होगा। उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यहाँ पर टिन नंबर डालना जरूरी है, तो यहाँ पर टिन नंबर डाल देता हूँ मैं। ठीक है, ये टिन नंबर हो गया, इंटरेस्ट स्टेट सेल्स टैक्स नंबर और जो भी है वो डालना जरूरी है। ठीक है, आप डाल दीजिएगा, फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ उसको। यहाँ पर मान लीजिए कि वैट लग रहा है 8%। ठीक है, 8% लगा दिया हमने, एडिशनल टैक्स 2% लग रहा है, तो 10% हो गया कुल। ठीक है, इसको भी चाहे तो यस कर सकते हैं, फिलहाल कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूँ मैं। अब ये हो गया काम, अब वही एंट्री जो हम कर रहे थे उसको करके दिखा देता हूँ। अब इसमें तो कहीं जीएसटी तो है नहीं,
तो जो एंट्री मैं पास कर रहा था वही एंट्री पास कर देता हूँ कैश में। ये देखिए ये हो गया, यहाँ पे रेगुलर रखना होगा, एंटर प्रेस करना है, यहाँ पे परचेज अकाउंट रखना है, यहाँ पे कीबोर्ड ले रहे थे हम, तो इस बार 60 कीबोर्ड ले रहा हूँ, ठीक है। एक कीबोर्ड की कीमत 400 थी, 400 ही ले लेता हूँ। अब यहाँ पर वैट की बात करेंगे, तो अल्ट सी करके वैट का लेजर बनाएंगे, वैट, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, तो यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही ले लीजिएगा और यहाँ से वैट करिएगा। ये वो वैट हो गया, ठीक है, बाकी सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी। और यहाँ पे देखिए ये वैट भी कैलकुलेट हो गया, तो इस तरीके से वैट कैलकुलेट कर सकते हैं आप। और इसमें अगर एडिशनल टैक्स देना चाहते हैं तो अल्ट सी करके एडिशनल टैक्स इस तरीके से आप दे सकते हैं। एडिशनल टैक्स का लेजर बना लीजिए और इस तरीके से आप दे सकते हैं। ये देखिए ये क्या है, एडिशनल टैक्स है ना, वैट तो है नहीं, अब ये एडिशनल टैक्स है, तो एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कराइए। तो देखिए ये भी आ गया, दोनों को आप एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। इसका प्रिंट आउट कैसा दिखता था ये देखिए, ये दो बार डी प्रेस करके दिखा देता हूँ। ये देखिए प्रीव्यू इसका कुछ इस तरीके से आएगा, देख सकते हैं। और यह की बात समझ में आई होगी, दोनों ही चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और क्यों नहीं आता है, क्यों आता है, ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।